अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर विच इज़ दी एसिड बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब एसिड बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स में ना बेसिकली हम लोग वही टॉपिक करेंगे विच आर बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, और एग्ज़ाम में उनकी वेटेज जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और एग्ज़ाम को अगर आप साइड पे भी कर लो, एग्ज़ाम के अलावा भी जब आप लोग वार्ड जाते हो, जब आप लोग किसी मरीज़ को मैनेज करोगे, तो ये केसेस आपको ज़्यादातर नज़र आएंगे। ठीक है, तो हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले जो आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, दैट्स दी हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया कहते किसे हैं? देखो, जब हमारे पास ब्लड में सोडियम का लेवल जो है वो कम हो जाए, ठीक है, नॉर्मल से कम हो जाए, तो उसको हम लोग हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल हमारे पास सोडियम कंसनट्रेशन कितनी होती है? 135 से लेकर 145 मिलीमोल पर लीटर कह लो, या आपका मिली इक्विलेंट पर लीटर कह लो। ठीक है, MeQ पर लीटर। ठीक है, अब 135 से ज़्यादा कम हो जाए तो आप उसको कहोगे हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, और 145 से ज़्यादा हो जाए तो उसको आप हाइपरनेट्रीमिया कहोगे, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास था हाइपोनेट्रीमिया की तीन टाइप्स होती हैं, एक होता है माइल्ड, एक मॉडरेट, एक सेवियर। ठीक है, माइल्ड में क्या होता है ना, 135 है, सो इसको आप तकरीबन 130 तक ले जाओ। ठीक है, 135-130 के बीच में होगा तो माइल्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा 125 से लेकर 129 के बीच में होगा तो हमारे पास वो होगा मॉडरेट, और सवेर जो होगा 124 बिलो जो होगा वो आपका सवेर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी जो है ना, ये इन टॉपिक्स की इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन टॉपिक्स की जो ट्रीटमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें ना, वो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, उसमें इतनी कोई ख़ास बात होती नहीं है। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक्स जो होते हैं ना, ये आपके बेसिकली MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो इसमें हम लोग ये जो पैथोफिजियोलॉजी वाला पोर्शन है ना, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया हमारे पास उसकी तीन कॉजेज हो सकती हैं। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया विद हाइपोवोलीमिया, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया विद यूवोलीमिया, एंड हाइपोनेट्रीमिया विद हाइपरवोलीमिया। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हाइपोनेट्रीमिया, मतलब सोडियम का लेवल भी कम है, और विद हाइपोवोलीमिया मतलब कि आपका वॉल्यूम भी कम है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। देखो, हमारे पास वॉल्यूम कम है। ठीक है, अब वॉल्यूम कम है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका वाटर कम है, ठीक है, और आपका सोडियम भी कम है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी कम है, ठीक है, हाइपोवोलीमिया में, लेकिन आपका जो सोडियम है वो ज़रा ज़्यादा कम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आपका पानी जो है वो मैंने 50% कम कर दिया, तो जो सोडियम है वो आपका 75% कम हो गया है। ठीक है, तो हाइपोवोलीमिया मतलब आपका पूरा पूरा वॉल्यूम कम हो गया है। ठीक है, मतलब उसमें सल्यूट्स भी थे, उसमें सॉल्वेंट भी था। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स में आप देखो ना, तो जैसे आप डायोरेटिक्स की बात करो, डायोरेटिक्स का क्या काम होता है? डायोरेटिक्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब उनका सिर्फ यही काम नहीं होता कि वो आपके पानी को साफ़ करवाते हैं, बल्कि वो सल्यूट्स को भी यूरिन में निकलवाते हैं और बॉडी से कम करवाते हैं। ठीक है, तो पानी भी कम होता है और सल्यूट्स भी कम होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे डायोरेटिक जिसकी वजह से पानी तो कम हो रहा है, लेकिन आपके जो सल्यूट्स हैं मतलब सोडियम, वो ज़्यादा कम हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ACE इनहिबिटर्स, वो भी सेम काम करते हैं कि आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का लेवल कम कर देंगे, जिसकी वजह से आपका जो एंजियोटेंसिन रेनिन जो सिस्टम होता है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, और जब वो काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। ठीक है, वॉमिटिंग है, डायरिया है। वॉमिटिंग में क्या होता है कि जब आप वॉमिटिंग करते हो, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपका सिर्फ सोडियम जो है वो मुँह से बाहर निकल आता है, जो आपकी पेट में जो भी होता है, पानी, खाना, सोडियम, सब कुछ बाहर आता है। ठीक है, लेकिन सोडियम ज़रा ज़्यादा आता है। ठीक है, डायरिया में भी सेम किस्सा है। अच्छा जी, अब आते हैं हाइपोवोलीमिया विद यूवोलीमिया। यूवोलीमिया बेसिकली हमें इसको कहते हैं ना कि हमारे पास सिर्फ पानी के साथ रिलेटेड कोई काम है। ठीक है, आपके सल्यूट में कोई मसला नहीं आ रहा, आपका सल्यूट वही जगह पे है। ठीक है, लेकिन आपका पानी जो है वो उसमें चेंजेस आई हैं। ठीक है, अब हमारे पास इस केस में क्या होगा ना, हमारा पानी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
मतलब कि आपका पानी का लेवल ज़्यादा हो गया, आपका सोडियम का लेवल उतना ही है, तो ऑब्वियसली अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो सोल्यूट जो है वो आपका डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका सोडियम का लेवल भी आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, वो लोग जो पानी ज़्यादा पीते हैं, पॉलीडिप्सिया, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसिव IV ड्रिप किसी को लगा दिए, ठीक है, तो उसमें भी पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, फ्री वाटर वाली, ठीक है। इसके अलावा सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन, वो सिंड्रोम जिसमें ADH का लेवल बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हाई हो जाता है, और हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो ये क्या कराते हैं, ये आपका ड्यू वॉल्यूम है, मतलब कि आपका सिर्फ पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है और बाकी लेवल्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो उसको कंपनसेट, मतलब इन अ सेंस ये होता है कि आप एक गिलास ले लो, गिलास में आपका जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये गिलास है, ठीक है, गिलास में आपका सोडियम पहले जो था वो 5% सोडियम है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और पहले आपका पानी जो था वो था यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि उसी गिलास में मैंने पानी यहाँ तक भर दिया, ठीक है, यहाँ तक मैंने पानी भर दिया है, और सोडियम वही 5% है, तो ऑब्वियसली वो सोडियम जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हाइपोनेट्रीमिया विद यूवॉलीमिया हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है हाइपोनेट्रीमिया विद हाइपरवॉलीमिया, मतलब कि आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, लेकिन आपके सोडियम का लेवल कम हो गया है, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, देखो हमारे पास इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास पानी भी ज़्यादा हो रहा है लेकिन हमारे पास सोडियम भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा पानी ज़रा ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि एक गिलास में मैंने जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक गिलास है, उसमें मैंने पहले मेरे पास था उसमें इतना सोडियम और इतना पानी, ठीक है, ये पानी हो गया और वाइट वाला सोडियम हो गया, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया है, इसी गिलास में, ये गिलास ज़रा बड़ा बना देते हैं, इसी गिलास में मैंने पानी ऐड कर दिया है, ठीक है, अब पानी भी ऐड किया है, ठीक है। तो पहले अगर इतना पानी था तो अब मैंने इतना पानी ऐड कर दिया, और सोडियम पहले अगर इतना था तो मैंने इतना सोडियम ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पानी भी ज़्यादा हुआ है और सोडियम भी ज़्यादा हुआ है, लेकिन पानी ज़रा ज़्यादा ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपके पास हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया और सोडियम भी ज़्यादा हुआ लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, ठीक है। अब एग्जांपल्स में क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, या आपका क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है, या आपका लिवर सिरोसिस वगैरह हो सकता है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको सिर्फ नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बता देता हूँ, देखो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास बेसिकली किडनी जो होता है ना, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस के टाइप है ना, किडनी का क्या काम होता है, किडनी जो होता है ना वो आपका, उसमें प्रोटीन अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें, फिल्ट्रेशन में बेसिकली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो है वो फिल्टर, पानी फिल्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है, पानी फिल्टर नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में पानी का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, आपके बॉडी में सोडियम का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पानी का लेवल ज़रा ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो हाइपोनेट्रीमिया विद हाइपोनेट्रीमिया विद हाइपरवॉलीमिया में चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स में बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास जो सीरम है उसकी ऑस्मोलैलिटी जो होती है ना वो हमारे पास कम हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सोडियम कम है, जब ऑस्मोलैलिटी हमारे पास कम हो जाएगी ना, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, देखो अच्छा आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया, एक मिनट, ये आपका हो गया ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल का ल्यूमेन हो गया, और ये आपका हो गया सेल, ठीक है। अब सेल, ब्लड वेसल में, सीरम में आपकी जो ऑस्मोलैलिटी है वो कम है, मतलब सेल्यूट कंसनट्रेशन कम है और आपका पानी ज़्यादा है, और सेल में आपका नॉर्मल है, ठीक है। देखो नॉर्मल में आपका सेल्यूट भी कम बराबर है और आपका सॉल्वेंट भी बराबर है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा ना, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, ठीक है, अब पानी जो है ऑब्वियसली वो सोल्यूट की तरफ ड्रैग होता है, सॉल्वेंट ड्रैग होता है, अब पानी जो है वो इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब जब वो पानी इस साइड की तरफ आएगा तो ये सेल जो है वो फूलना शुरू कर देगा, अब जब वो सेल फूल जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका एडेमा प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पेशेंट आपका हाइपोनेट्रीमिया के साथ आता है, ठीक है, मतलब उसकी बॉडी में उसके ब्लड में या सीरम में सोडियम का लेवल कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जितना भी पानी होगा वो सेल के अंदर घुस जाएगा, सेल के अंदर घुसेगा तो पेशेंट को एडेमा हो जाएगा। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है ना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। न्यूरोलॉजिकल में क्या होगा कि आपका ब्रेन में, ठीक है, आपका जो पानी था
वो हमारे पास सेल्स में आ गया, ठीक है। सेल्स में आ गए तो सेरेब्रल एडेमा हो गया। अब सेरेब्रल एडेमा की वजह से क्या होगा पेशेंट में, हेड एक होगा, कन्फ्यूजन होगी, कन्वलजंस हो गए, डायलेरम हो गया, इसके अलावा उसकी जो मसल जो है वो टेच होना शुरू हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, हाइपर एक्टिव जो है वो आपका डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो सीजर्स में भी जा सकते हैं, कोमा में भी जा सकते हैं। जीआई में देखो तो जीआई में पेशेंट को वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, नौशिया होगा। सीवीएस में सोडियम का लेवल ज़्यादा होने की वजह से उसका जो है पेशेंट हाइपर टेंशन में चला जाएगा। इसके अलावा जो है उसको देखो पे जिसकी बॉडी में सॉल्ट्स का लेवल जो सोडियम का लेवल कम है, ठीक है। अब सॉल्ट्स का लेवल कम है बॉडी में तो उस बंदे को जो है वो स्लाइवेशन भी ज़्यादा आएगी, ठीक है, उसको लैक्रिमेशन भी ज़्यादा आएगी, ठीक है, और पेशेंट जो है वो लीगो यूरिया और एनयूरिया में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं ना कि हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया एंड बैन, ठीक है। अब एक्यूट में क्या होता है ना कि अगर आपका एक्यूटली विद इन 48 आवर्स अगर आपका ये हाइपोनेट्रीमिया डेवलप होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका, मैंने बताया था कि सारा का सारा आपका सीरम का जो आपके ब्लड वेसल का पानी होता है ना वो सेल के अंदर चला जाता है और सेरेब्रल एडेमा हो जाता है, वही फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्रॉनिकली क्या होता है ना कि हमारे पास जो सेरेब्रल एडेमा होता है ना वो तो डेवलप ही नहीं होता फर्स्ट, ठीक है, और अगर होता है तो बहुत ज़्यादा लेट होता है, ठीक है। सही है, ये क्यों होता है ना कि हमारे पास, अच्छा ये इसलिए होता है ना कि मैं आपको यहाँ से डायग्राम से ही बता देता हूँ, ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। देखो हमारे पास ना जब ये वाला किस्सा हो गया है ना, ठीक है, कि आपके सीरम में सेल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है ना, तो इनिशियली क्या होगा ना कि हमारे पास यहाँ के जो सेल्यूट्स हैं ना उसमें जो पोटेशियम होता है वो बाहर जाना शुरू हो जाता है ल्यूमिन में, ठीक है। जब वो ल्यूमिन में जाएगा तो वो दोनों जगहों की ऑस्मोलैलिटी जो होती है वो बराबर कर देगा, क्योंकि दोनों जगहों में आपका सेल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो पानी आगे पीछे नहीं जाएगा, पेशेंट को सेरेब्रल एडेमा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन क्या होगा, आपकी हाइपोनेट्रीमिया इतना ज़्यादा सवेर हो जाएगा ना कि ये मेंटेन हो ही नहीं पाएगा, अल्टीमेटली आपका पानी जो है वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन सेरेब्रल एडेमा जो है वो क्रॉनिक केसेस में इसलिए नहीं होता ना क्योंकि पेशेंट जो है वो अर्ली डायग्नोज हो चुका होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको इतना टाइम हो चुका होता है कि उसके फीचर्स थोड़े बहुत भी आते हैं तो पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास रीच आउट करता है और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी होती है, ठीक है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें ना तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, देखो सबसे पहले आपने सीरम में सोडियम का लेवल देखना है, ठीक है, जो आपको 135 mEq/L से कम होगा, ठीक है। अच्छा जी, ट्रू हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सूडो हाइपोनेट्रीमिया होता है, जैसे कि उसको भी आपने रूल आउट करना होता है, जैसे कि आपकी बॉडी में पोटेशियम सोडियम क्या नाम है प्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज़्यादा हो, या आपके बॉडी में लिवर्स का लेवल ज़्यादा हो या यूरिया का लेवल ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से भी आपका जो है वो सोडियम का लेवल ज़्यादा नज़र आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद सीरम की ऑस्मोलैरिटी आप देखते हो तो वो 280 से आपको कम मिलती है, ठीक है। फिर आप यूरिन पे आते हो, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी देखते हो, ठीक है, तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी जो होती है ना वो हमारे पास आया तो वो 100 से कम होती है या तो 100 से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब अगर 100 से कम है, ठीक है, उसका मतलब ये है कि यूरिन में आपके सल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो कम है, ठीक है, सही है। लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल कम है, ठीक है, मतलब लॉस हो नहीं रहा यहाँ से यूरिन साइड से, लेकिन फिर भी सोडियम का लेवल कम है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा है इसीलिए आपका वो सल्यूट आपको कम लग रहा है, ठीक है। और सेकेंडरी होता है कि आपकी सल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो ऑस्मोलैरिटी 80 से कम हो, ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हो हाँ आया किडनी में मसला हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यूरिनरी सोडियम का लेवल देखोगे तो यूरिनरी सोडियम का लेवल 30 से ज़्यादा होगा तो वो ये शो करेगा कि पेशेंट में कोई किडनी का मसला है, ठीक है, कि वो फिल्टर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा फिर इसके बाद आपने यूरिनरी सोडियम अगर 30 से कम है, ज़्यादा था तो किडनी में मसला था, अगर 30 से कम है तो मतलब कि पेशेंट जो है वो ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें उसमें हाइपोवोलीमिया हो गया, ठीक है, हाइपोवोलीमिया है, ठीक है, जैसे बर्न हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपने साइन ऑफ डिहाइड्रेशन देखने, पेशेंट के आपने देखना है स्किन टारगेट वगैरह, उसकी आपने आइज़ देखनी है, टेयर वगैरह उसकी जो है वो आपने थर्स्ट वगैरह देख लेनी है, उसके कॉन्शियस लेवल देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है वैसोप्रेसिन का लेवल देखना है,
फॉर सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडियल सिक्रेशन। ठीक है, बातें इसके ट्रीटमेंट पे। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास एक्यूट हाइपोनेट्रेमिया का पेशेंट है ना, लाइक विद इन 48 आवर्स उसको सेरेब्रल एडेमा भी प्रोड्यूस हो गया, बाकी सारे मसले भी आ गए, ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है? उस केस में आपने आईवी सलाइन देना है, क्योंकि ऑब्वियसली सोडियम का लेवल कम है, तो आप आईवी सलाइन दे दो। ठीक है, आईवी सलाइन दे दोगे, 150 ml दे दोगे, वो 20 मिनट में आपने चढ़ाना है उसको। ठीक है, और पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे ना, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्या है, 150 ml 20 मिनट्स में आपने चढ़ाना है आईवी सलाइन का। ठीक है, अब क्रोनिक का अगर पेशेंट है ना, तो क्रोनिक में हमारे पास सेरेब्रल एडेमा नहीं ही डेवलप होता। ठीक है, तो उसमें आपने कभी भी नहीं ऐसा करना है कि आपने जो है वो 150 ml 20 मिनट्स में आपने चढ़ा देना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे आपने नहीं करना है। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया जो होता है वो स्लोली डेवलप होता है। ठीक है, तो उस केस में, अच्छा, अगर उस केस में आप ऐसा करोगे ना कि आप ये 150 ml सोडियम चढ़ा दो ना सलाइन, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ल्यूमेन है ना, तो उसमें तो सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब सोडियम का लेवल यहाँ पे फॉर एग्जांपल ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, सेल्स सारा पानी जो है वो आपकी ल्यूमेन में आ जाएगा, सीरम में आ जाएगा। ठीक है, अब सीरम में आ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। जब श्रिंक हो जाएगा तो पेशेंट जो है उसकी वो डिमेलिनेशन वगैरह हो जाएगी। ठीक है, और पेशेंट जो है वो कोमा वगैरह में जा सकता है। ठीक है, तो इस क्रोनिक केस में फिर आपने क्या करना होता है ना, कि आपने बजाय आप 150 ml चढ़ाओ, आप जो होते हो वो 10 मिली मोल पर लीटर पर 24 आवर चढ़ाते हो। ठीक है, 10 मिली मोल पर लीटर पर 24 आवर। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो, अब पेशेंट को अगर हाइपोवोल्यूमिया विद हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, मतलब उसके वॉल्यूम का लेवल कम है, तो आपने सलाइन इन्फ्यूजन लगानी है। ठीक है, अब पेशेंट को एनवोल्यूमिया, मतलब उसका सिर्फ पानी का लेवल ज़्यादा है बॉडी में, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पेशेंट को कहना है फ्लूड रिस्ट्रिक्ट कर दो। इसके अलावा पेशेंट को आप कहोगे कि यूरिया लेना शुरू कर दो, जिसकी वजह से डायूरेसिस ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा आप वैसोप्रेसिन दे एंटागोनिस्ट देना शुरू कर देते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी सोडियम की जो आपकी वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है ना, वो आपकी कम हो जाती है। ठीक है, अब पेशेंट अगर हाइपरवोल्यूमिया के साथ है, मतलब उसके सोडियम पानी का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो आपने उसकी जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, लिवर सिरोसिस, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, ठीक है, तो आपने उसको ठीक करना है, ताकि वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, तो आपका इजीली जो है वो पानी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाए। ठीक है, दैट्स इट, वेयर डन विद द हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरनेट्रीमिया करेंगे। थैंक यू, जजाकल्लाह खैर।